आपको मिलाते हैं हम ग्लोबल स्टार्स के प्लेयर से। तो ग्लोबल स्टार्स की तरफ से यहाँ पर नाम बताएंगे सर, क्या नाम है आपका? अमर चंद निषाद और अशफाकुर रहमान, अमन पांडे, अभिषेक मिश्रा, सत्यम साहू, यजत सिंह देव, सत्यम सिंह, अनुभव तिवारी, राजन सिंह। तो शिवम तिवारी जैसा कि कैप्टन है, और मैं बात करना चाहूंगा कि आज के मैच के बारे में। कल ये मैच हार गए थे, काफी थोड़ा अंतर था जिस वजह से मैच हारे थे। आज मैं ये इनसे जानना चाहता हूं कि आज क्या प्लान करके यहां पर उतरे ग्राउंड में, बताएंगे आप? अब हम अपनी पूरी टीम के साथ जो है अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे, और गेम प्लान ये बना के आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी बॉलिंग अच्छी फील्डिंग करके हम कम से कम रनों पे। कितने रनों का टारगेट आप देना चाहेंगे अगली टीम को अपनी तरफ से? जो है अगली टीम को 100 रन देना चाहते हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। अगली टीम भी है, बहुत अच्छी टीम है, अगर आप 100 रन पे उसको रोकते हैं तो आप लोग चेस कर लेंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं सत्यम साहू से, जो कि वाइस कैप्टन है यहाँ पे। सत्यम साहू, आप ये बताइए क्या करते हैं? अच्छा, तो आप अपने आप को कैसा बॉलर महसूस करते हैं? ग्राउंड में मैदान में उतरे हैं तो बाजी पड़ती है। आज क्या प्लान है आपका? प्लान तो हर मैच में स्पेशल होता है, अच्छा करने को होता है। आज भी तो आज उम्मीद किया जाए आपसे कि आज अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभिषेक मिश्रा जी, आप बताइए, विकेट कीपर हैं आप ग्लोबल स्टार्स के, तो कुछ आपसे जानना चाहूँगा मैं। आपके कई मैचों से मैं देख रहा हूँ लगातार आप रन नहीं बना पा रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है कि आप रन नहीं बना पा रहे हैं? रीज़न तो बहुत सारे नहीं है, कुछ रीज़न है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा। और जैसे तो मैं आज टीम से वादा करता हूँ कि मैं शिकायत का मौका नहीं। तो जैसा कि अमन मीडियम पेस करते हैं, तो अमन आप सेकंड स्पेल में आते हैं, मीडियम पेस करते हैं, शिवम के साथ में लगते हैं, तो आप क्या आपका क्या प्लान है आज का? आज सर प्लान ये है कि जो सिंगल्स से होते हैं हाथ से छूट जाते हैं, अच्छी लग के फील्डिंग करें और स्टम्प स्टम्प बॉल डालें जिससे हमको विकेट मिल सके। ओके, थैंक यू। अशफाकुर रहमान, आप बताइए जरा आपका आज क्या प्लान है? मिडिल ऑर्डर के आप बैट्समैन हैं, जिम्मेदार बैट्समैन हैं, तो आप क्या प्लानिंग किए हुए हैं आज? पहले तो प्लान यही है सर कि हमारी टीम जो अभी पहले फील्डिंग कर रही है, तो हम लोग चाहेंगे कि कम टारगेट हम लोग को मिले। और दूसरी बात, अमन भाई बोले जो फील्डिंग बहुत अच्छी बात की, हम लोग फील्डिंग में ज्यादा एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं, उस पर हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे से। थैंक यू। अमर चंद के साथ आप लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, तो आप बताइए अपने परफॉर्मर के लेकर के आप क्या करने वाले हैं, आप बॉलिंग से बैटिंग से क्या करने वाले हैं आप? मैं अपने बैटिंग में थोड़ा सा मतलब भटक रहा हूँ, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा टीम को साथ में लेके चलूंगा अपना रन बनाऊंगा। तो भटक रहे हैं आप जैसा कि बता रहे हैं, तो भटकिए मत, क्रिकेट एक मन लगा के गेम के लिए, और भटकिए नहीं, अपने एम को पाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू। और साथ में मैं बात करना चाहूंगा यजत से, यजत आप बताइए कि आपका क्या प्लान है आज का? बैटिंग बेसिक्स पे स्टिक रहूंगा और रन सिंगल डबल पे ज्यादा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपकी सोच है, अच्छा लगा, थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल ग्लोबल स्टार क्रिकेट एकेडमी। जैसा कि आज दूसरा दिन है, आप देख रहे हैं मैच चालू हो चुका है, ग्लोबल स्टार फील्डिंग करने जा रही है। बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है, जो कि पहला ओवर डालेंगे शिवम तिवारी। अरे, पहले ओवर की पहली गेंद जा रही है, फील्डर सब तैनात हैं। अभिषेक मिश्रा तैयार करते हुए फील्डर को, और ये पहली बॉल मिस हो गई है, कोई रन नहीं आया इसमें। दूसरी बॉल एक रन प्राप्त हुआ इनको,
सूर्या एकेडमी में खेला जा रहा है मैच। एक रन मिला इसमें। आउट होते होते बचे दूसरी टीम के खिलाड़ी। अभी अभी कोई रन नहीं आया इसमें। चौथा ओवर डाला जा रहा है। चार ओवर हो चुके हैं। चार ओवर और 17 रन अभी आए हैं दूसरी टीम के। और ये सिद्धार्थ मिश्रा जा रहे हैं बॉलिंग करने। कीपिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। छठवां ओवर चल रहा है जो कि शिवम तिवारी डाल रहे हैं अभी। बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं ग्लोबल स्टार की टीम के। और ये तीसरा विकेट गिर चुका है, कैच आउट हुआ है। दसवां ओवर चल रहा है। सत्यम सिंह बॉलिंग करने जा रहे हैं। और यहाँ पर अमरचंद निषाद भी मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं।
12वां ओवर चल रहा है और 38 रन हो चुके हैं दूसरी टीम के। बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं ग्लोबल स्टार की टीम के लोग। चार रनों के लिए गई थी बॉल। और ये चौथा विकेट गिर चुका है। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग कर रहे हैं लोग। आज का मैच शायद ही जीत लेंगे जिस हिसाब से फील्डिंग टाइट कर रहे हैं ग्लोबल स्टार की टीम। शिवम तिवारी आए हैं बॉलिंग करने जो कि 11 नंबर की जर्सी में हैं। दूसरी इनिंग चालू हो चुकी है जो कि विपक्ष की टीम ने 194 रन बनाए हैं और अब आई है ग्लोबल स्टार क्रिकेट एकेडमी की टीम जो कि मैच होने में बहुत ही कम समय में स्टार्ट होने वाला है। बल्लेबाज आ गए हैं हमारे जो है शिवम तिवारी, राजन सिंह। राजन सिंह जो कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं आ चुके हैं। और ये राजन सिंह आउट हो गए अभी। खाता भी नहीं खोल पाए राजन सिंह जो कि आउट हो चुके हैं। सीधा बोल्ड मार दिया था। ग्लोबल स्टार जो कि लगातार विकेट गिरते ही जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज भी ग्लोबल स्टार की टीम जीत पाएगी। देखते हैं क्या होता है आगे। Thank you.
8 ओवर हो चुके हैं, 4 विकेट गिरे हैं। पैंतालीस रन बने हुए हैं अभी ग्लोबल स्टार टीम के। मुझे नहीं लगता कि आज भी जीत पाई है ग्लोबल स्टार की टीम। और एक और भी विकेट गया है, 5वां विकेट गिर गया है ग्लोबल स्टार का। इस तरीके से तय है कि ग्लोबल स्टार टीम हार जाएगी, जिस तरीके से विकेट एक से एक गिरते जा रहे हैं। और एक और विकेट गिर गया ग्लोबल स्टार का। और ये 16 ही ओवर में जो है ग्लोबल स्टार की टीम समाप्त। आज का मैच बहुत ही बुरी तरीके से हारे हैं ग्लोबल स्टार की टीम।